एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसकी यह आदत थी कि वह जरूरी काम हमेशा देर से करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामले में पीछे रह गया था। उसके घर वाले और टीचर्स उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में जाया करता रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आए। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया, सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूं। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट्स से हर फील्ड में पीछे हूं। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं मैं कैसे ये कर सकता हूं। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नजर से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसीलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार चीजों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। लड़का बड़े ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास ना नौकरी थी, ना पैसा, ना ही इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूं सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम टाइम पे नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया, सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और बोला, मैं सो लेता हूं, खजाना लेने बाद में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। वह पेड़ के नीचे बैठा जहां हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वह बैठा फिर से सो गया और 4 घंटे और सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़का चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालना बंद कर दिया और ज्यादा उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो समय सोने की तरह होता है।
ये सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जिंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें इसे समझदारी से और उत्पादकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना समय बेकार चीजों में जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने काम और कार्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और अच्छी तरह से करना चाहिए। एक प्रख्यात कहावत है, अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, लेकिन अगर हम अपना समय जाया करते हैं तो हम अपने मौके को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री से एक मिनट का महत्व समझ सकते हैं जो अपनी ट्रेन एक मिनट के फर्क से मिस कर गया, और एक स्टूडेंट से एक साल का महत्व समझ सकते हैं जो अपने वार्षिक एग्जाम में फेल हो गया। जो लोग अपने समय की कदर करते हैं वह अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन जो अपने समय की कदर नहीं करते वह अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालने वाले ना बनो, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी आदमी की तरह पछताओगे जो सूर्य अस्त होने से पहले महल नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो, अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे पल का मजा लो। ऐसा करने से तुम अपने सपने और लक्ष्य हासिल कर पाओगे और एक संतुष्ट और पूर्ण जिंदगी जी पाओगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।